कितना गंदा लग रहा है सर यहाँ पे, क्या लिखना सेंटर लू सर यहाँ पर देखिए मेरे करियर का पहला कदम है, शुरुआत कर रहा हूँ मैं, एंड ऑब्वियसली हर एक्टर हर सेलिब्रिटी का ड्रीम है कि वो अपनी शुरुआत गेटी से करे। गेटी हैज़ ऑलवेज बिन द फर्स्ट स्टेप फॉर एवरीवन। अब हम लोग बस यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, आप लोग अपनी शुभकामनाएँ दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, हमारी फिल्म यहाँ भी इंशाल्लाह लगेगी, एंड प्लीज़ वॉच इट। बहुत मेहनत करी है हम लोग ने, एंड पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। And it's an absolute honor to be in front of GT right now. काफी सस्पेंस तरह का दिख रहा है आपका पोस्टर, इसके बारे में बताइए, आपका प्रोफाइल कुछ नहीं आ रहा है। इसमें प्रोफाइल सोच समझ के डाला गया है, फिल्म सस्पेंस थ्रिलर है, आपको मालूम है अगर मैं ज़्यादा रिवील कर देंगे तो स्टोरी रिवील हो जाएगी, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा किस बारे में, हेंस हमारा पोस्टर ऐसा दिखता है। बहुत ही जल्द आपको दूसरे स्निपेट्स देखने मिलेंगे फिल्म के बारे में, तो बाकी चीज़ें मालूम पड़ेंगी। दर्शकों के सामने हम बहुत ही जल्द आने वाले हैं, 17 जनवरी 2025 हमारी रिलीज डेट है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल रिलीज द ट्रेलर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो वो एक और इवेंट होगा जिसमें हम सब मिलेंगे वापस। बॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार्स यहां पर आते हैं अपने प्रमोशन करने के लिए, आप कितनी बार यहां पर आए हैं, कभी आपने मौका उठाया है यहां पर? जी जी मैं बहुत बार आया हूं, मेरे जो फादर हैं उनको फिल्में देखना बहुत पसंद है, तो उनके ऑल टाइम फेवरेट थिएटर्स थे गेटी, चंदन, ये सब, तो उनके साथ मैं बचपन में बहुत आया हूँ। तो मुझे आखिरी फिल्म जो याद है वो मैंने हैदर देखी थी शाहिद कपूर की, तो गेटी आना हमेशा एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है, और आज भी लाइक आई एम आउट ऑफ वर्ड्स ऑनेस्टली बोलने के लिए कि ये हम लोग को ऑनर किया गया है इस कैंडी के साथ। सो आई एम लाइक रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग टू मी। जी ये टी शर्ट हमारी फिल्म की मर्चेंडाइज है, मिशन ग्रे हाउस, ये हमारा टाइटल है, ये हमारी टैगलाइन है, एवरी शैडो हाइड्स अ सीक्रेट। आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा हर शैडो क्यों सीक्रेट हाइड कर रही है, उसमें कोई तकलीफ नहीं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग बहुत ही जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर, इट्स अ प्लेजर ऑनेस्टली। थैंक यू सो मच।